एब्सोल्यूट ब्रिलियंट कमबैक बाय यंग इंडियन गन्स, बिल्कुल यंग है। रिंकू सिंह द डिस्ट्रॉयर, यशवी जायसवाल द बिगिनर, देन ईशान किशन द काम फैक्टर, देन असॉल्टिंग टू एन एक्सटेंट कि ना ऑस्ट्रेलिया सोचे, परेशान हो जाए कि भाई साहब ऋतुराज को पकड़े, ईशान किशन को पकड़े, जायसवाल को पकड़े, तिलक वर्मा को पकड़े या रिंकू सिंह को पकड़े, पकड़े तो किसको पकड़े। नंबर तीन आया ईशान किशन, अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला। जायसवाल की जो बारी थी, वन ऑफ द टॉप एंड टफेस्ट नॉक। एंड अनदर डे अनदर मैच एंड इंडिया हैज वन दिस अगेन। एक अच्छा बड़ा ह्यूज टोटल लगाया और वो टोटल टिंकू, हर जगह नाम आता है रिंकू 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 का नाम हर जगह जो है वो कि किस तरह वो टारगेट कहां से कहां पहुंचा। रिंकू सिंह उफ तबाही, क्या ये प्लेयर है लड़का, इतना खतरनाक प्लेयर मैं देख रहा हूँ। उसने जो 25 मारे पिछले ओवर के अंदर, सेकंड लास्ट ओवर के अंदर रोल के रख दिया। ट्वाइनस का इकट्ठा विकेट पर रहना, दोनों कसाई कसाई खतरनाक साबित हो जाता है इनके लिए, बट हैट्स ऑफ टू बिश्नोई क्योंकि वो भी तेज गेंद करता है। रिंकू सिंह प्रोफेशनल मैच विनर, मैच फिनिशर, इससे बेहतर मैच फिनिशर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे लाके दिखा दो। या यशवी जायसवाल ने आके जो दे मार 4.5 शॉन हैबिट के पहले ओवर में 24, शुरू के दो ओवर के अंदर 10 रन, तीसरे ओवर मैक्सवेल 15 रन, चौथा ओवर 24 रन, एकदम से यशवी जायसवाल ने भाई साहब बोला कि मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो झुकूंगा नहीं। बट आज जायसवाल ने तबाही बल्लेबाजी की, स्टार्ट उसने अच्छा दिया, तेज 50 उसने मारा 25 बॉलों पे, ऋतुराज ने एक सेंसिबल बल्लेबाजी की, अच्छी इनिंग्स खेली, ईशान किशन ने बैक टू बैक एक और 50 अपना इनिंग्स का स्कोर कर दिया। यशवी जायसवाल ने जो इनिंग्स के लिए, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। ये 235 वाला विकेट नहीं था, या बॉल की गीली होने की वजह से आप किसी से भी जाके ये किसी क्रिकेटर से पूछ लें कि हाउ स्लगेज द सरफेस वॉज। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड कप का फाइनल, दुर्भाग्यवश हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, वो दिन हमारा खराब था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स की अपडेट देता चलूं कि पिछले दो मैचेस में दो दफा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया T20 का मैच। और दोस्तों कोई पुराने लड़के नहीं है, ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना जसप्रीत बुमराह है, ना कुलदीप यादव है, और ना ही रवि जडेजा है, ना हार्दिक पांड्या, सारे नए लड़के हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इसके बाद इस टीम की अगुवाई जो कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, वो है सूर्य कुमार यादव, और लड़के पूरे नए हैं, रिंकू सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, तो मतलब पूरे रवि बिश्नोई है, ये सारी टीम है, और इन सभी ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को लास्ट दो मैचेस में हराया है T20 का मैच। और आज का जो मैच था उसमें यशस्वी जायसवाल की जो फायरी इनिंग थी 50 प्लस की, 52 के समथिंग उन्होंने रन्स बनाए, और जो ताबड़तोड़ अंदाज से रन बनाया, रोहित शर्मा जो फ्यूचर का है वो यशस्वी जायसवाल में आप लोग देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की भी अच्छी पारी 50 प्लस की, ईशान किशन की भी बहुत ज़बरदस्त 50 प्लस की इनिंग, रिंकू सिंह के लास्ट में कुछ फायरी रन्स। तो ओवरऑल भारत की जो टीम है, नई युवा टीम है, वो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी ओवरऑल बहुत जबरदस्त नजर आ रही। बॉलिंग में सबने मिली जुली अच्छी परफॉर्मेंस दी। रिंकू सिंह की वजह से पहले टिंकू कहा मैंने, फिर रिंकू बना लेती है, लेकिन वो जो बेसिकली 200 से 235 का फर्क था ना, वो बेसिकली रिंकू सिंह की इनिंग्स का फर्क था। रिंकू सिंह ने जो आके खेला है आज, कमाल खेला है दोबारा एक दफा फिर। उस बंदे ने ये दिखाया कि यार इंटेंट मैटर्स अ लॉट, इंटेंट सरफेस जैसा भी हो जैसा भी नहीं हो, सिचुएशन जैसी हो जैसी नहीं हो, आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। So I'm really glad to see the progression of Rinku Singh because he is actually making the difference. He is the one who is actually making India and their selectors and their management realize as well कि आपने कितने invest करना है और World Cup. So आपने इन 10 की 20s में ही उन प्लेयरों को shortlist करने लाया कि आपका pool कौन सा होगा, एक 15 का pool और 5-6 लड़के extra, तो 20-25 का pool लेके आप मार करके IPL में चले जाओगे और वहां से फिर shortlist करोगे for your T20 World Cup side. ये जो हंगर है ना हर लड़के के अंदर, चाहे यशवी जायसवाल हो चाहे कोई भी हो, आपको हंगर नजर आ रही है, क्योंकि इन सारे लड़कों को अगर आप ये कहें कि पता ना हो कि हम एक दूसरे का कंपटीशन है, ये भी वर्ल्ड कप स्पॉट के लिए खेल रहा है, ये भी वर्ल्ड कप स्पॉट के लिए खेल रहा है, ये भी अपना ऑडिशन दे रहा है, वो जो हंगर है ना पोजीशन पे अपने आप को मनवाने की, वो बड़ी जबरदस्त है। आप किसी की भी बात करें, क्या ये प्लेयर है लड़का, इतना खतरनाक प्लेयर मैं देख रहा हूँ। उसने जो 25 मारे पिछले ओवर के अंदर, सेकंड लास्ट ओवर के अंदर रोल के रख दिया। रिंकू सिंह की तबाही बल्लेबाजी, चाहे चेज हो चाहे जिसको कहते हैं आपका, जिसको कहते हैं पहली इनिंग्स की आखिरी ओवर हो, रिंकू नहीं छोड़ता। कितना इन्होंने मारा, आप ये सोचें कि एक टाइम ऐसा ऐसा कि लग रहा था कि इंडिया इतने ज्यादा रन नहीं मार सकती, लेकिन लास्ट दो ओवर्स के अंदर इंडिया ने कितना बुरा मारा, इतना बुरा फेंटा लगाया, इस हद तक इन्होंने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह, रिंकू सिंह तबाही का दूसरा नाम, तबाही का दूसरा नाम रिंकू सिंह भाई। मैं अभी भी कह रहा हूं इसको वर्ल्ड कप में लाजमी लेके जाना,
ये क्या बला बन चुका हुआ, इससे खतरनाक प्लेयर मैंने ऐसा फिनिशर नहीं देखा। इंतहाई गुड फिनिशर है ये, इंतहाई सुपर किस्म का फिनिशर है। दिल खुश हो गया इसको देख के, तबाही बल्लेबाजी ये कर रहा है और इसने जो मारा इसका, अब मैं इतना बता सकता हूं वो आईपीएल था उसमें उसने 29 चेस करवाया था। अगर कोई इंटरनेशनल मैच भी हो, अगर कोई इंटरनेशनल मैच भी हो और इसको पता हो कि इसने 20 चेस करना है, तो रिकू सिंह कर सकता है, रिकू कर सकता है। मुझे बड़े अरसे बाद इंडियन टीम में कोई ऐसा फिनिशर नजर आया। यकीन करें इंडिया का बल्लेबाज आते हैं टॉप ऑर्डर के आते हैं, जैसे नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन के बल्लेबाज आते हैं, लेकिन पहली दफा इंडिया का ऐसा बल्लेबाज मैंने देखा है जो पांचवें छठे के ऊपर आके ऐसी बल्लेबाजी कर सके, और रिकू सिंह करके दिखा रहा है। ये जिस किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है, देखिए सब फीके नजर आ रहे हैं। आज जयसवाल ने तबाही बल्लेबाजी की, स्टार्ट उसने अच्छा दिया, तेज 50 उसने मारा 25 बॉलों पे। ऋतुराज ने एक सेंसिबल बल्लेबाजी की, अच्छी इनिंग्स खेली। ईशान किशन ने बैक टू बैक एक और 50 अपना इस इनिंग्स का स्कोर कर दिया। फिर आपके रिकू सिंह आ जाते हैं। रिकू सिंह तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रिकू सिंह ने तो फैसला किया हुआ इतना मारना है कि आखिर कर देनी है, और वो मार रहा है, वो मार के दिखा रहा है, वो नहीं रुक रहा, और वो कह रहा है मुझे जितना खिलाओगे मैं उतने रन्स मारूंगा। रिकू सिंह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप ये देखें कि ऐसी वेल हिट करता है ये बंदा कि पता लगता है। लेकिन स्पेशल बात कि रिंकू की तो हम तारीफ करते ही हैं, और ये बात बिल्कुल वाजे है कि जो आज 200 का स्कोर 235 तक पहुंचा, लेकिन तारीफ सवेरा हर एक लड़के की इसलिए बनती है क्योंकि हाउ आई सी इट एंड व्हाई आई सी इट। हम सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा विराट कोहली होने ही होने हैं, अभी तक एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि जी आप उनके बगैर खेलेंगे। फैंस की मुख्तलिफ ओपिनियन है, ये यंगस्टर्स हैं अभी अच्छा कर रहे हैं, कल को मुश्किल चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है वहां ना करें। फैंस की जो राय होती है वो इनिंग्स जिस तरह बदलती है ना, उस तरह उनकी राय भी बदलती है किसी भी प्लेयर के बारे में। लेकिन हर लड़के को पता है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे यशवी जायसवाल हो, रिंकू सिंह को, तिलक वर्मा, मैं टॉप सिक्स की बात करता हूँ आज में सिवाय सूर्या को छोड़कर, सबको पता कि हमारा T20 ये ऑडिशन हो रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया के पास ऑल टुगेदर कोई बहुत ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। 5 ये हैं, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, 2 अफगानिस्तान के खिलाफ है, टोटल 10 है, 2 निकल चुके हैं, 8 मजीद बचे हुए हैं, उसके बाद 7 टेस्ट मैचेस हैं, उसके बाद पूरा आईपीएल का 2.5 महीने का सीजन है 74 डेज का, और उसमें डायरेक्ट 10-15 दिन के गैप के बाद वर्ल्ड कप। इट वॉज द विटनेस ऑफ द बॉल विच हेल्प्ड द बैटर्स अर्ली ऑन इन द लेटर इनिंग्स के वहां जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन अर्ली ऑन जिस तरह यशवी जायसवाल ने टोन सेट की थी ना, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच फ्रॉम द वर्ड गो। और यशवी जायसवाल को हमने देखा कि इरिस्पेक्टिव कोई भी कंडीशन हो, ही शोइंग कि व्हाई एम अ स्पेशल टैलेंट। फिर कहानी जब नीचे आती है ईशान किशन ऋतु के ऊपर, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जो जायसवाल मोमेंटम छोड़ के गया होता है। तो दोस्तों अगर भारत की टीम 4-1 या 5-0 से ऑस्ट्रेलिया के इस टीम को T20 में हराती है, तो मैं कहूंगा पूरा तो नहीं हाँ, लेकिन 30-40% जो वर्ल्ड कप हारने का दुख है वो तो कम होगा कि भाई 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया या 4-1 से T20 का जो सीरीज है वो हरा दिया। मैं मानता हूँ यार वर्ल्ड कप हारने का दुख नहीं जाएगा, लेकिन यार ठीक है यार हमने उनको हरा दिया ये T20 का सीरीज 4-1 या 5-0 से, तो काफ़ी हद तक हमें ये लगेगा कि नहीं भाई वो दिन ही हमारा ख़राब था, एक्चुअली में टीम हम अच्छे हैं लेकिन वो दिन हमारा ख़राब था, लेकिन 4-1 या 5-0 से हराना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें हमारी क्रिकेट टीम की, तो ये होती है क्रिकेटिंग टीम्स। देखो हमारी जो फुल स्ट्रेंथ मेन टीम है, नाम मैं गिना देता हूँ, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, सिराज, ये सारे रेस्ट कर रहे हैं, और जो हमारी टीम है वो फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम को बजा रही है। फुल स्ट्रेंथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टीम में मैक्सवेल है, इस टीम में स्मिथ है, इस टीम में ट्रेविस हेड है स्क्वाड में। तो इस फुल स्ट्रेंथ टीम को अगर हमारे नए लड़के 20-20 साल के, 21-21 साल के लड़के हरा रहे हैं, तो यार ये हमारी आने वाली क्रिकेटिंग, दोस्तों यहीं पे तो नहीं एरा खत्म होता ना। अब मान लो 2023 का वर्ल्ड कप हारे, 24 में है, फिर 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर ऐसे ऐसे रिपीट होते रहता है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। लड़के अगर हमारे अच्छे बनेंगे तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में ये कप आएगा ही भारत में। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो भारत के लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दुनिया के अदर लड़के जो है, पाकिस्तान के हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ को, चाहे वो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के हो, उनके कंपैरिजन में भारत के जो लड़के हैं उनको जरूर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है BCCI को, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए।